कल गाइस क्या हुआ पता है क्या, मैं एक पार्टी में गई, वहां पर क्या हुआ, कुछ मेरे सामने ऐसे वर्ड आ गए। मैं हमेशा इनको रट लेती थी, मुझे मालूम था इनका मीनिंग क्या होता है। एक ने मुझे बोला कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले को क्या बोलेंगे, चमचागिरी करने वाले को क्या बोलेंगे, पेटू को क्या बोलेंगे, हट्टी को क्या बोलेंगे, जो जोखिम लेता है उसको क्या बोलेंगे। अभी ये सब वर्ड्स मैंने एक्चुअली में लर्न कर लिए थे, लेकिन जब टाइम पर बोलने की बात आई ना तो पूरा ब्लैंक हो गई मैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा जैसा मेरे साथ हुआ है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है, आपके पास है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज की इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन कि आपको वाकई मालूम है क्या बोलना है लेकिन ऑन द स्पॉट याद नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक देने वाली हूं जिसके द्वारा बहुत सारे मीनिंग्स ना केवल लर्न करेंगे, उनका यूज करेंगे, टाइम पर आपको ध्यान रहेंगे, सेंटेंसेस में हम उनको पिरोएंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहां पर मैं क्या करने वाली हूं, देखिए इतने सारे वर्ड्स मीनिंग्स आपके लिए लेकर आई हूं, मैंने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनाए हैं, उनके सिमिलर वर्ड्स आपके सामने रहेंगे। आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, नेगेटिव होने दीजिए, वर्बल क्वेश्चंस होने दीजिए, किसी में भी आप अगर इन वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये सभी चीजें इजीली लर्न हो जाएंगी, वो भी बिना रटे हुए। तो गाइस देखिए टाइम पर ध्यान आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ ट्रिक। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ मैंने क्या लिखे, कुछ वर्ड्स लिखे हुए, एक्चुअली ये एडजेक्टिव्स हैं, ये मैंने कॉलम में लिखे हुए हैं। अब हमें इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी, अब अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बोलूं तो आप तो तुरंत शुरू हो जाएंगे। आई एम एडवेंचरस, आई एम मीन, आई एम गुड टेम्पर्ड, आई एम रेशनल, ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना। बट गाइस ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, क्योंकि हम बच्चों को जब भी टेंस पढ़ाते हैं, स्पोकन का क्लास लेते हैं, तो वहां पे ट्रांसलेशन मेथड का यूज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप इंग्लिश को जल्दी कैच कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी ये मैं आपको बताने वाली हूं, और आपको भी ऐसी प्रैक्टिस घर बैठे अकेले करनी, किसी पार्टनर की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं आपको एक सब्जेक्ट देती हूं, या मैं एक सब्जेक्ट लेती हूं आई, अब इससे मुझे प्रैक्टिस करनी है। I am adventurous, मैं जोखिम लेने वाली हूँ। I am mean, मैं मतलबी हूँ। I am good tempered, मैं शांत हूँ। I am rational, मैं समझदार हूँ या तार्किक हूँ। I am immortal, मैं अमर हूँ। I am diplomatic, मैं कूटनीतिज्ञ हूँ। I am healthy, मैं स्वस्थ हूँ। I am kind, मैं दयालु हूँ। I am careless, मैं बेपरवाह हूँ। I am headstrong, मैं हट्टी हूँ। I am gourmet, मैं पेटू हूँ। I am braggart, मैं बड़ी बड़ी बातें करने वाली हूँ। I am sycophant, मैं चमचागिरी करने वाली हूँ। समझ में आ रहा है ना, कुछ मीनिंग्स आपको अलग लग रहे होंगे। अब यहाँ पे ब्रैगर का मतलब, सिकोफेंट, इनको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप अगर देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए तो हो गई मेरे बारे में, अब मुझे वो लड़का जो मेरे सामने बैठा हुआ है ना, आप उसको थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके सामने भी वो लड़का दिखेगा, उसके बारे में मुझे कुछ बोलना है। वो एक्चुअली में ना बहुत पेटू है, बहुत हट्टी है, सुनता नहीं है किसी की भी, बहुत खाने वाला है, जोखिम लेने वाला भी है, शांत है, कूटनीतिज्ञ है। तो इसके लिए मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर इजीली ले सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है, ही इज एडवेंचरस, वो लड़का जोखिम लेने वाला है। ही इज मीन, वो मतलब ही है। ही इज गुड टेम्पर्ड, वह शांत है। ही इज रेशनल, वह समझदार है। ही इज इमॉर्टल, वह अमर है। ही इज डिप्लोमेटिक, वह कूटनीतिज्ञ। ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है। ही इज काइंड, वह दयालु है। ही इज केयरलेस, वह बेपरवाह है। ही इज हेडस्ट्रॉन्ग, वह हट्टी है। ही इज गॉर्मेट, वह पेटू है। ही इज ब्रैगर, वह बड़ी बड़ी बातें करने वाला है। ही इज सिकोफेंट, वह चमचागिरी करने वाला है। बॉस के आगे जो चमचागिरी करता है ना, उनके हाँ में हाँ मिला, तो उसको सिकोफेंट बोलते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट का यूज करके आप 13 सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 6, आप इतने सेंटेंसेस आप बना लेंगे जब आप सभी सब्जेक्ट का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, अगर आप 6 सब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप मुझे बताइए कितने सेंटेंसेस आप यहाँ पे बिना रटे हुए बताते हैं। कॉमेंट बॉक्स में तुरंत मुझे कैलकुलेशन आप देने वाले हैं। अब देखिए, अब मुझे कुछ ये वर्ड्स मुझे लर्न हो गए हैं, इट मींस जो पीछे का पेज था ना मैम, अच्छे से लर्न हो गया, बार बार हमने देखा, बार बार प्रैक्टिस की है। अब हमें कुछ और वर्ड्स भी चाहिए। ऑफ कोर्स गाइस मैं आपको कुछ और वर्ड्स भी देने वाली हूं, लेकिन इसके लिए कीप पेशेंस, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाली हूं, इन्हीं वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स आप सामने लेकर आएंगे। गूगल पर आप जाएंगे ना, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, फेमस है, जो आप तुरंत बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स का मैंने क्या किया है, चूज किए हैं। तो चलिए देखते हैं। एडवेंचरस को आप डेयरिंग भी बोल सकते हैं, मीन को आप सेल्फिश भी बोल सकते हैं, गुड टेम्पर्ड को प्लीजेंट या चेयरफुल भी बोल सकते हैं, रेशनल को आप इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक वर्ड लर्न करेंगे, दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली बार बार बोलने से लर्न हो जाएगा। प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे मैम, तो देखिए कुछ नहीं करना, ऐसे प्रैक्टिस हो गए, आई को मैं छोड़ देती हूं। वी आर एडवेंचरस, हम जोखिम लेने वाले हैं। अभी फिर आपको बोलना है वी आर डेयरिंग, हम जोखिम लेने वाले हैं। तो एक ही सब्जेक्ट से आपको सिमिलर वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। कैसे, वी आर एडवेंचरस, वी आर डेयरिंग, हम जोखिम लेने वाले हैं। वी आर मीन, वी आर सेल्फिश, हम मतलबी हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है ना। वी आर गुड टेम्पर्ड,
वी आर प्लीजेंट, हम शांत हैं, वी आर रेशनल, वी आर इंटेलिजेंट, हम समझदार हैं, वी आर इमॉर्टल, वी आर एटर्नल, इमॉर्टल एटर्नल, हम अमर हैं, वी आर डिप्लोमेटिक, वी आर पॉलिटिक, हम कूटनीतिज्ञ हैं। लर्न हो रहा है ना मीनिंग? फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60-90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। वी आर हेल्दी, वी आर वेल, हम स्वस्थ है, हम अच्छे हैं। वी आर काइंड, वी आर बेनेवोलेंट, हम दयालु हैं। वी आर केयरलेस, वी आर रेकलेस, हम बेपरवाह हैं। वी आर हेडस्ट्रॉन्ग, वी आर हार्ड नोज्ड, हम हट्टी हैं। हेडस्ट्रॉन्ग एंड हार्ड नोज्ड, इसका मतलब होता है हट्टी। जो बच्चे बहुत जिद करते हैं ना, आप आज से उनको क्या बोलेंगे, हेडस्ट्रॉन्ग बोलेंगे या आप उनको बोल सकते हैं हार्ड नोज्ड। वी आर गॉर्मेट, वी आर फूडी, हम पेटू हैं, हम ज्यादा खाने वाले हैं, उसको हम गॉर्मेट भी बोल सकते हैं, उसको हम फूडी भी बोल सकते हैं। वी आर ब्रैगर, वी आर कॉकी, हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, कॉकी, ब्रैगर। कॉकरोच से आप लर्न कर लीजिए कॉकी, ब्रैगर आपको लर्न हो जाएगा बैगर से। तो देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। वी आर सिकोफेंट, वी आर फॉनिंग, हम चमचागिरी करने वाले हैं। सिकोफेंट नहीं तो फोनिंग, दोनों में से एक तो आपको लर्न हो जाएंगे, बार बार देखेंगे तो ऑब्वियसली। यहाँ पर आप 13 × 2, इट मींस यहाँ पर आपने लर्न किए हैं 26 वर्ड्स, आपको तुरंत लर्न हो गए। केवल आपने एक ही पेज देखा है अभी यहाँ पर, हाँ, और पीछे के 13 वो अलग है, सेंटेंसेस भी आपने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आप सेम थिंग है गाइस, कि 13 × 6 केवल यहाँ पर होगा और 13 × 6 यहाँ पर होगा। इट मींस एक पेज में आप इतने सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। अब आपको तुरंत बोलना है, तू जोखिम लेने वाला नहीं है, तू मतलब ही नहीं है, तू पेटू नहीं है, तू चमचागिरी करने वाला नहीं है, तू हट्टी नहीं है, तू कूटनीतिज्ञ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या करेंगे आप, नॉट का यूज कर देंगे। लेकिन नॉट का यूज कैसे करना है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, यू आर नॉट एडवेंचरस, ऐसा आपको बोलना होगा। एक मेरा क्वेश्चन है, आपने टेंसेस पढ़े हैं, आपको मालूम है, 2 घंटे में सब पढ़ चुके हैं, मुझे बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है, मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन अगर आपको आता है, वीडियो पॉज करके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। यू आर एडवेंचरस, तू जोखिम लेने वाला है। यू आर मीन, तू मतलब ही है। यू आर गुड टेंपर्ड, तू शांत है। यू आर रेशनल, तू समझदार है। यू आर इमॉर्टल, तू अमर है। यू आर डिप्लोमेटिक, तू कूटनीतिज्ञ। यू आर हेल्दी, तू स्वस्थ है। यू आर काइंड, तू दयालु। यू आर केयरलेस, तू बेपरवाह। यू आर हेडस्ट्रॉन्ग, तू हट्टी है। यू आर गॉर्मेट, तू पेटू है। यू आर ब्रैगर, तू बड़ी बड़ी बातें करने वाला है। यू आर सिकोफेंट, तू चमचागिरी करने वाला है। तो यू से प्रैक्टिस की है, पूरी प्रैक्टिस तो आपको नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे सभी से प्रैक्टिस करनी है, शॉर्टकट नहीं लेना है। यहाँ पर भी आप 13 × 6 इतने सेंटेंसेस आप फ्रेम कर रहे हैं। हाँ हाँ, आगे जाने से पहले तो मैं भूली गई ना, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टू बीज वाला सेंटेंस है। मैम यहाँ पे एम इज आर, आईएनजी नहीं आया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपने टेंसेस प्रॉपरली नहीं पढ़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बोलना है, क्या वे मतलबी हैं, क्या वे हट्टी हैं, क्या वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, क्या वे कूटनीतिज्ञ, क्या क्या क्या। मैं यहाँ पे फ्रेम कर रही हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन बनाना है। देखिए, आर दे एडवेंचरस, क्या वे जोखिम लेने वाले हैं, आर दे मीन, क्या वे मतलब है, आर दे गुड टेम्पर्ड, क्या वे शांत है, आर दे रेशनल, क्या वे समझदार है, आर दे इमॉर्टल, क्या वे अमर है, आर दे डिप्लोमेटिक, क्या वे कूटनीतिज्ञ, आर दे हेल्दी, क्या वे स्वस्थ है। और यहाँ पे इन सभी के आगे भी आपको क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है सभी को क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन आप अगर इस तरीके से फ्रेम करते हैं, उनसे आपको मीनिंग लर्न हो रहे हैं, वोकैब इंप्रूव हो रही है, और बिना रटे हुए आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी 13 × 6 इतने सेंटेंसेस आपने बना लिए हैं। अभी मैं पास्ट की बात करती हूँ। जब छोटा था ना राम, बहुत अच्छे अच्छे जोखिम लेता था, पेटू भी बहुत था राम, राम चमचागिरी भी बहुत करने वाला था, अभी नहीं रहा है क्योंकि राम बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया। राम कूटनीतिज्ञ था, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, था। पास्ट टेंस में जाना है, टू बी इसका सिंपल पास्ट टेंस है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या करना है, राम वॉज एडवेंचरस, राम जोखिम लेने वाला था, राम वॉज मीन, राम मतलबी था, राम वॉज रेशनल, राम समझदार था, राम वॉज गुड टेम्पर, राम शांत था, राम वॉज इमॉर्टल, राम अमर था, राम वॉज डिप्लोमेटिक, राम कूटनीतिज्ञ था। देखिए, पहले पहले ऐसा हो सकता है कि राम वॉज एडवेंचरस, राम जोखिम लेने वाला है, ऐसा निकल सकता है, लेकिन जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर था ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुझे बोलना है कि राम नहीं था ना जोखिम लेने वाला था, ना कूटनीतिज्ञ था, ना हट्टी था, ना पेटू था, कुछ नहीं
नहीं था राम, कैसे बोलेंगे, कुछ नहीं करना, केवल नॉट लगा देना है। राम वॉज नॉट एडवेंचरस, राम जोखिम लेने वाला नहीं था। राम वॉज मीन, राम मतलब ही नहीं था। राम वॉज गुड टेम्पर्ड, राम शांत नहीं था या शांत नहीं था। राम वॉज रेशनल, राम समझदार नहीं था। राम वॉज इमॉर्टल, राम अमर नहीं था। राम वॉज डिप्लोमेटिक, राम कूटनीतिज्ञ नहीं था। तो यहाँ पर आपको था का यूज करना है। अब देखिए, क्या राम था, क्या मैं थी, क्या थी, क्या मैं अच्छी थी, क्या मैं कूटनीतिज्ञ थी, क्या वे कूटनीतिज्ञ थे, क्या वो चमचागिरी करने वाले थे, क्या वे पेटू थे, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, वर्बल क्वेश्चन बना लेना है। वॉज से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देनी है। वॉज आई एडवेंचरस, क्या मैं जोखिम लेने वाली थी। वॉज आई मीन, क्या मैं मतलबी थी। वॉज आई गुड टेम्पर, क्या मैं शांति थी। वॉज आई रेशनल, क्या मैं समझदार थी। वॉज आई इमॉर्टल, क्या मैं अमर थी। आपको ऐसे पूरी प्रैक्टिस करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने का आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। मैं मतलबी होंगी, मैं पेटू होंगी, मैं जोखिम लेने वाली होंगी, मैं समझदार होंगी, मैं कूटनीतिज्ञ होंगी, मैं शांत होंगी, मैं स्वस्थ होंगी, कैसे बोलेंगे। आपको केवल क्या करना है, टू बी का फ्यूचर टेंस आपको बना लेना है, विल बी का आपको यूज कर देना है। आई विल बी एडवेंचरस, मैं जोखिम लेने वाली होंगी, फ्यूचर की बात है, आज की बात नहीं कर रहे हैं। आई विल बी मीन, मैं मतलबी होंगी। आई विल बी गुड टेंपर्ड, मैं शांत होंगी। आई विल बी रेशनल, मैं समझदार होंगी। आई विल बी इमॉर्टल, मैं अमर होंगी। आई विल बी डिप्लोमेटिक, मैं कूटनीतिज्ञ होंगी। तो यहां पर मैंने क्या किया है, केवल विल बी का यहां पर मैंने यूज करके सेंटेंसेस बनाए हैं। गाइस मुझे आप ये बताइए कि आपने ये पूरा वीडियो देखा है, आपको क्या समझ में आ रहा है। ये पूरी एक सीरीज है, मोर देन 500 एडजेक्टिव्स की लिस्ट। अगर आप चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मोर देन 500 जो एडजेक्टिव्स है उनकी लिस्ट देख सकते हैं। वहां पर हमने इंटरेक्टिव टीचिंग की है, वो भी आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है गाइस, आज आप केवल रटने में लगे हुए हैं। कोई भी लोग आपको सेंटेंसेस देते हैं, आप केवल वही वीडियोस देख करके उनको रटने की कोशिश करते हैं। मुझे आप बताइए, अगर आपने रट लिया तो आज तक आपको दूसरे वीडियोस देखने ही नहीं पड़ते। लेकिन यहां पर जो मैं टेक्निक देने वाली हूं, यहां पे आपको कुछ रटना नहीं है, केवल आपको समझना है, एक दो बार वीडियो को देखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके देखना है, और इस तरीके से बार बार मन में बोलने की कोशिश करना है। क्योंकि यहां पर आपको एडजेक्टिव्स मिल रहे हैं, उनके सिमिलर वर्ड मिल रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस में हम आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, वर्बल क्वेश्चंस हम कैसे फ्रेम करना है, ये सभी चीजें हम आपको बता रहे हैं। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यूट्यूब पे सभी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ग्रामर में ट्रेंड होना चाहते हैं, तुरंत हमारी यू कैन स्पीक किट एंड ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां पर आपको एक स्पोकन का कोर्स मिलेगा, दूसरा हमारा ए टू जेड ग्रामर का भी कोर्स मिलेगा। एट लास्ट गाइस आगे की वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि वॉकेब इंप्रूव करने का इससे ज्यादा शानदार मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं देखा होगा, ना कहीं सुना होगा। आगे की वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।